जोशीमठ भू धसाव आपदा को लेकर आपदा प्रबंधन सचिव की प्रभावितों और सीबीआरआई की अहम बैठक। विगत साल के जोशीमठ भू धसाव आपदा के बाद अब नगर के प्रभावितों के लिए पुनर्वास नीति और पुनर्निर्माण सहित जोशीमठ नगर की दशा दिशा और प्लान तैयार करने को लेकर आपदा प्रबंधन सचिव रंजीत सिन्हा की अध्यक्षता से प्रभावित परिवारों, आम जनता, जनप्रतिनिधियों और प्रशासन के मध्य नगर पालिका सभागार जोशीमठ में एक अहम बैठक हुई, जिसमें आपदा प्रबंधन सचिव रंजीत सिन्हा ने प्रोजेक्टर के माध्यम से जोशीमठ नगर के वर्तमान हालात को समझाया। बताया जोशीमठ नगर को आपदा की दृष्टि से 3 जोन में बांटा, हाई रिस्क, मीडियम और लो। सरकार की प्राथमिकता के तौर पर सबसे पहले हाई रिस्क जोन को क्षेत्र को खाली करने को लेकर होमवर्क तैयारी कर रही। बैठक में स्थानीय लोगों ने साफ तौर पर कहा वो किसी भी दशा में जोशीमठ नगर को नहीं छोड़ पाएंगे, हाँ आसपास के लो रिस्क या सेफ जोन में ही उन्हें बसाया जाए। साथ ही सबके रोजगार को लेकर भी सरकार सोचना होगा। बैठक में जोशीमठ के हाई रिस्क जोन के लोगों को गौचर और बमोत के समीप बसाने के मुद्दे पर जनप्रतिनिधि माधव प्रसाद सेमवाल ने कहा बिना स्थानीय लोगों को विश्वास मिले कोई भी पुनर्वास कार्य शुरू ना हो। स्थानीय जनप्रतिनिधियों का कहना सरकार द्वारा हाई रिस्क जोन के प्रभावितों को गौचर के समीप बमोत नामक जगह पर टाउनशिप बनाकर रखने के प्रस्ताव को उन्होंने नकार दिया। उनका कहना था पहले सामाजिक प्रभाव रिपोर्ट बने और उसके बाद सबके रोजगार को लेकर सरकार गारंटी दे। लोगों ने प्रश्न उठाया सरकार की रिपोर्ट सिर्फ स्थानीय लोगों के लिए बनी है, क्या सेना, आईटीबीपी, एनटीपीसी के आवासों, टाउनशिप को कोई खतरा नहीं, उन्हें रिस्क जोन में नहीं रखना। लोगों को कहीं ना कहीं नाराजगी दिखा गया, जिसके बाद आपदा प्रबंधन सचिव रंजीत सिन्हा ने कहा सभी लोगों को साथ लेकर एक बृहद सर्वे करते हुए सबकी राय ली जाएगी, उसके बाद सबके सुझावों को लेकर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। नगर में एक बार फिर सीबीआरआई की टीम द्वारा सभी वार्डों में दोबारा भवनों के सर्वेक्षण और दरारों का निरीक्षण करने के साथ ही चिन्हित भवनों पर दोबारा निशान लगाने की प्रक्रिया के चलते लोगों को एक बार फिर बड़ी चिंता सताने लगी। सरकार की ताजा सर्वे रिपोर्ट को देखा जाए तो करीब 80% जोशीमठ नगर रिस्क जोन में, सबसे ज्यादा धसाव इन्हीं क्षेत्र में, लिहाजा लोगों में इस रिपोर्ट को लेकर अभी से विरोध दिखने लगा। संजय जी ये छोटे इश्यूज है, इसको तो बिल्कुल निकाल लिया जाएगा, कोई इशू ही नहीं है। आपने रेज किया है, आपके लिए छोटा इश्यू है ना, जिसके पास थोड़ा सा काम करने के लिए था और उसका सब कुछ चला गया है और वो आज दर दर की ठोकरें खा रहा है, शायद आपको छोटा लग रहा हो पर नहीं, अगर आप देखेंगे जितना बड़ा हमारा प्लान है जोशीमठ के लिए, ये चीजें हम आराम से निकालेंगे। आप केस बता दीजिए एडीएम साहब को, एसडीएम साहब को, ये निपटा दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप ही दे दीजिएगा, आज सूची दे दीजिए, आज ही करवा दिया जाएगा इसको। सेंटर की टीम आई थी, उसमें एक चीज था कि अभी भी कोई भी पावर किसी को दी नहीं गई है कि कोई कंस्ट्रक्शन कर रहा है या नहीं कर रहा है, क्या सही है क्या गलत हो रहा है। उस समय भी मैंने सेंटर की जो टीम आई थी उनसे रिक्वेस्ट किया था कि कम से कम आप नगर पालिका के ईओ को या इंजीनियर को इतनी पावर तो दे दीजिए कि वो जो कोई कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं लीगल उनको इतनी पावर दिए और रोक सके। नहीं तो अभी तो कंस्ट्रक्शन नो कंस्ट्रक्शन जो अभी तो कंस्ट्रक्शन इसके सर एग्री करते हैं ये ठीक है। आप वहां उस जगह पे जो घर रहने लायक नहीं है, जो एरिया बहुत से प्रभावित है, वहां से लोगों को हटाना पड़ेगा और फिलहाल वहां पर निर्माण हम कर सकते हैं। तीन रिस्क जोन में डिवाइड किया गया, हाई रिस्क जोन, मीडियम रिस्क जोन और लो रिस्क जोन। हाई रिस्क जोन को कई उसके भाग थे, हाई रिस्क जोन के पहले 17 भाग थे, हमारी टीम 18, 19, 20 आज भी चल रही है। ये 3 दिनों से इन्होंने सर्वे करके उस 17 जोन को 14 जोन में संकलित कर दिया और उसमें कई जगह घर थे जो कि जिसके बीच से गुजर रही थी वो लाइन, उसको जोड़ करके, उसको इंक्लूड करते हुए ये हाई रिस्क जोन को बिल्कुल सही कर दिया गया। तो हाई रिस्क जोन के 14 अंश पूरे जो सर, जिस तरीके से आपने ऑप्शन की बात करी है, जो लोग डेंजर जोन में अभी रह रहे हैं उनको शिफ्ट करने, लेकिन लोगों का यही कहना है कि हम यहीं पर रहेंगे, तो उसको लेकर गवर्नमेंट क्या प्लान करेगी आगे? देखिए हम अभी सारे परिवारों से अलग अलग ऑप्शन लेंगे, किसके क्या ऑप्शन आते हैं। भारत सरकार से चर्चा हुई तो उसमें कई फ्लेक्सिबिलिटी हमें दिए गए हैं कि परिवारों की सुविधा अनुसार उनके विस्थापन की कार्रवाई की जाए, उनके ऑप्शन आए उस पर शासन स्तर पर विचार विमर्श होगा, उसमें अग्रेसर कार्रवाई अकॉर्डिंग। देखिए अगर हम देखें जो हाई रिस्क जोन में है फिलहाल, वो अगर हम देखें तो लगभग 30-35% के करीब निकल जाए। व्यावसायिक भवन जो है वही, इसीलिए हम ऑप्शन ले रहे हैं, रोक लगाई थी पिछली बार आप, लेकिन अभी भी हम देख रहे हैं कि ओली वाले रोड पर टीवी टावर वाले इलाके में धड़ल्ले से निर्माण कार्य हो रहा, मुख्य बाजार में भी हो रहा, तो क्या उसको लेकर भी अब कोई आगे कार्रवाई की जाएगी जो निर्माण कार्य?
जब से ये 2 जनवरी 2023 को जब घटना घटी थी मुद्दसाग की, उसके बाद ये निर्णय लिया गया था अभी यहाँ पर फिलहाल कोई निर्माण कार्य अनुमन्य नहीं है। उसी के तहत निर्माण कार्य पे बैन लगा हुआ, अगर किसी के द्वारा इलीगल तरीके से निर्माण कार्य किया जा रहा है उसके संबंध में जिला प्रशासन द्वारा उचित कार्रवाई की जाए। खबर भारतवर्ष के लिए जोशीमठ चमोली उत्तराखंड से सुरेंद्र धनित्रा की रिपोर्ट। अपने शहर अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।